छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पूंडी थाना पुलिस से ने नाबालिग से गलत काम करने के मामले में रिटायर रेंजर हीरालाल सेन व सहयोगी मुश्ताक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में एक आरोपी जो नाबालिग का रिश्तेदार बताया जा रहा था, वह अभी भी फरार है। मामले को लेकर पौड़ी थाना प्रभारी ओम प्रकाश दुबे ने बताया कि जब लड़की 2019 में नाबालिग थी तो मुश्ताक कुरैशी और एक अन्य साथी नौकरी का झांसा देकर बैकुंठपुर ले गए। बता दें कि बैकुंठपुर में रेंजर हीरालाल सेन ने घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये है कि जो पीड़िता है वर्ष 2019 में नाबालिग थी, उसी टाइम पे उसे मुश्ताक और एक अन्य व्यक्ति जो है नौकरी दिलवाएंगे करके उसको बुलाए थे, जो अपने ग्राम से भाई बस जो है मनेंद्रगढ़ गई थी। वहाँ जो है वो जो रेंजर साहब थे तत्कालिक, उनकी गाड़ी में बैठ कर ये तीनों लोग जो है वो पीड़िता के साथ हम लोग लेके उसको बैकुंठपुर गए और वहाँ एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जो है रेंजर साहब हीरालाल सेन का नाम था, उन्होंने उसके साथ उसके आरोप के मुताबिक जो है